आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसैमा खान। अब खबरें तफसील से। मुंबई और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कल से हो रही शदीद बारिश के सबब मामूलात जिंदगी बुरी तरह से दरहम बरहम होकर रह गई है। कई नशीबी इलाकों में पानी भर जाने के सबब लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। बारिश ने मज़ाफ़ाती रेल खिदमात को भी मुतासिर किया है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। एहतियात के तौर पर आज तालीमी इदारे बंद रखे जा रहे हैं। जिन मकामात पर बारिश का अंदेशा है उनमें मुंबई और साहिली कोंकण के इलाके शामिल हैं। बारिश से सफाई खिदमात पर भी असर पड़ा है, फिजाई खिदमात पर भी असर पड़ा है। कल मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के सबब कुछ देर के लिए खिदमात मुतासिर रहीं। और मुंबई में बारिश की ताजा सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त वर्मिली में मौजूद हैं, योगेश। योगेश, अभी कुछ ही महीने पहले मुंबई इसी सूरत हाल से निमट चुका है, आज फिर वहां पर तेज बारिश हो रही है और काफी मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त वहां की क्या ताजा सूरत हाल है और इंतजामिया क्या एहतियाती इकदाम कर रहा है? देखिए, इस वक्त के हालात जो हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं। हालांकि बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अगर आम जन जीवन की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जलजमाव है। मसलन जो लो लाइंग एरिया है, जैसे कुडला है, हाजी अली के पास का कुछ एरिया है, मरीन ड्राइव के पास के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि लो लाइंग है, वहां पे जो है जलजमाव है, लेकिन उसे ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति फिलहाल नहीं है। जिस तरह 29 अगस्त यानी पिछले महीने जिस तरह का सिचुएशन हुआ था। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि हम इस वक्त वर्ली सी फेस पे हैं और 12 बजे के करीब जो है 4 से 5 मीटर के बीच में जो है हाई टाइड का अलर्ट जो है वो साउंड किया गया है। कुल मिलाकर जो यहाँ के एरिया है जो समुद्र से सटे हुए, वहां लोगों को ना जाने की हिदायत दी गई है मौसम विभाग और जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा, क्योंकि हाई टाइड से हो सकता है कि पानी जो है वो सड़क पे आए और फिर उससे हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ तरह के अनटुवार्ड सिचुएशन जो है वो हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मुंबई से अलग अगर बात करें, कोंकण क्षेत्र की बात करें, तो कोंकण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। रायगढ़ जिला जैसे है, रत्नागिरी है जो कोंकण का बेसिकली क्षेत्र है, पालगढ़, पुणे, फिर पुणे मुंबई का भी हिस्सा उसमें है, वहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अगर पर्टिकुलरली मुंबई की बात करें तो सेंटा क्रूज में कल रात 200 mm से ज्यादा की बारिश जो है सेंटा क्रूज में रिकॉर्ड की गई है। अंधेरी, बोरीवली, कांदीवली, वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो वहां पे भी बारिश जो है वो अभी भी लगातार जारी है, लेकिन किसी भी जगह से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की खबर फिलहाल नहीं है। जी जी, योगेश, महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि उन्होंने क्या इंतबाह जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग ने 20 तारीख तक के लिए कहा था कि 20 तारीख तक जो है वो बारिश ज्यादा हो सकती है और उसी हम कह सकते हैं आकलन सही साबित हुआ है और जो बारिश है वो यहाँ पे हो रही है। अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अलग अलग एजेंसी की, तो बीएमसी ने कल ही अलर्ट जारी किया था कि जिस तरीके से जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट थी उसके बाद बीएमसी ने अलर्ट जारी किया था। उन्होंने अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको फील्ड पे डाला था। जो एनडीआरएफ है, बॉम्बे फायर ब्रिगेड है, इन जो भी एजेंसीज हैं जो भी इस तरह के सिचुएशन से को फेस करती हैं, अगर कहीं अंटवा सिचुएशन हो गया, मसलन कभी बिल्डिंग कॉलेप्स की घटनाएं होती है, कभी मेन हॉल में जैसे पिछली बार हमने देखा था कि खुला होने के कारण वहां पे एक्सीडेंट होते हैं, तो वहां पे जो कर्मचारी हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति न हो, उस तरह की घटना जो है वापस फिर से जो है वह दोहरा न पाए। जी जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसील जानकारी के लिए। वहीं खलीज बंगाल